दोस्तों, आज के आईफैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वाटर के एज अ नाउन और एज अ वर्ब डिफरेंट मीनिंग्स को समझेंगे और साथ ही साथ वर्ड वाटर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, उनकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आईफैक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सारा ट्यूटोरियल कॉन्सेंट्रेशन से देखें, क्योंकि आखिर में है एक एक्सरसाइज। तो दोस्तों, वाटर का सबसे कॉमन मीनिंग तो हमें पता है, पानी क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने का दिल चाह रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए, या मैं पानी पीना चाहता हूँ। या फिर हम इसका भी कह सकते हैं, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेहरबानी करके, कृपया करके मेरे लिए पानी का एक ग्लास ले आए। लेकिन इसके अलावा भी वाटर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जिस तरह पौधों को पानी देने को भी वाटरिंग द प्लांट कहा जाएगा, या पौधों को पानी देना, वाटर योर प्लांट्स, अपने पौधों को पानी दो। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, कि वो पौधों को पानी दे रहा है। इसके अलावा कई दफ़ा यूरिन को भी वाटर पास करना कहते हैं, कि जैसे मैं कहता हूँ यार, डोंट ड्रिंक टू मच वाटर, या डोंट ड्रिंक टू मच जूस, देन यू विल हैव टू पास अ लॉट ऑफ वाटर, कि बहुत ज़्यादा जूस ना पियो, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह वाटर का वर्ड हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस तरह कहीं पे नहर हो, दरिया हो, समंदर हो, लेक हो, तो उस चीज़ को भी हम वाटर कहते हैं। और वो जो वहाँ पे एक जगह पानी जमा हुआ होता है, उसे वाटर बॉडी कहा जाता है। इसी तरह पानी की सतह को वाटर लेवल कहा जाता है। जिस तरह यहाँ पे हम एक सेंटेंस बना लेते हैं कि हिज फार्म बाउंड्रीज रीच टू द वाटर्स, कि भाई उसकी फार्म की, उसके इतना बड़ा फार्म है कि वो पानियों तक जाती है। वो पानी अब कुछ भी हो सकता है, शायद वो नहर हो, दरिया हो, कुछ भी हो। तो हमने कहा कि उसके फार्म की बाउंड्रीज वहाँ पानियों तक जाती है, तो उस वक्त भी हम वाटर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वाटर के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वाटर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस एक सेंटेंस बनाना है, उसे नीचे देकर कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हमें से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।